गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास एट और सब्जेक्ट हमारा विषय है संस्कृत। संस्कृत में आज हमारा प्रति पाठ। मैंने आपको दो पार्ट कम्प्लीट करा दिए, प्रथम पार्ट और द्वितीय पार्ट। प्रथम पार्ट हमारा सुभाषिता नाम, जो हमने श्लोक देखे थे उसके अंतर्गत हमें ज्ञान का श्लोक मिले हैं। दूसरा हमारा लेसन था उसमें की वाणी क्या होता है और ये किस प्रकार से हमारे देश में
उपयोग में लाया गया और इससे हमें क्या फायदे, ठीक है। हमने इस पार्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब देखिए अद यहाँ से शुरू हुआ है, अद संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतस चर्चा हुई थी। हमारे पूरे देश में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है, सुनते हैं सुनते हैं या चर्चा हो रही है, ठीक है। अस पदस्य का भाव की मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते कि अस्य पद इस पद का भाव में अर्थ है कि यह हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है कि आखिर डिजिटल इंडिया ये क्या। इस शब्द को जब हमने सुना तो यह शब्द हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है कि डिजिटल इंडिया ये क्या। काल परिवर्तन सह मानव से आवश्यकता की परिवर्तन समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। प्राचीन काल ज्ञान से आदान प्रदान मौतिकम अस्ति के प्राचीन समय में हम जब ज्ञान प्राप्त करते थे तो हम मौखिक करते थे, सामने से श्री गुरु जी बोलते थे और शिष्य को क्या करते थे, ग्रहण करते थे। तो ज्ञान आदान प्रदान मौतिकम आते थे, हम जो भी ज्ञान लेते थे वो मौखिक ही लेते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गते स्म, अब जो विद्या है वह सुनकर हम ग्रहण कर सकते हैं, सुनकर ग्रहण की जाती थी मौखिक मतलब बोलकर, और श्रुति परंपराया ने सुनकर ग्रहण की जाती थी। अंतरंग ताल पत्रों परी भोज पत्रों परी च लेखन कार्य आरब्धम, फिर उसके बाद क्या हुआ, अंतरंग काल पत्रों पर भोज पत्रम च लेखन कार्य आरम्भ, उसके बाद क्या हुआ, उस समय पश्चात ताल पत्र और भोज पत्र ये पेड़ होते हैं जो उनकी जो छाल होती है उनको बोला जाता है ताल पत्रों वाली और भोज पत्रों पर लेखन कार्य आरम्भ, और इन पत्रों पर फिर लिखने का कार्य क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। परिवर्तित कार्य गर्भगृहस्य देखनाया च आविष्कार्य सर्वेषां मे मनोगतां भवानाम, उसके बाद फिर कालांतर में उस समय पश्चात कागज पर लिखना प्रारंभ किया गया, कागज पर लिखना प्रारंभ किया और जो आज तक चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए आगे में परिवर्तन काले कागदस्य देखनाया च आविष्कारे सर्वेषां मनोगतानां भवानाम कर्तोदपरि लेखनं प्रारब्धम, और फिर उसके पश्चात कागज पर लिखना प्रारंभ हुआ, कागज का आविष्कार हुआ और कागज के आविष्कार से कागज पर लिखना प्रारंभ। तर्पण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री कल्पिता सती बहु कालाय सुरक्षिता अस्तित्व, फिर कागज पर लिखने के बाद क्या हुआ, तर्पण यंत्र से, तर्पण यंत्र से टाइपिंग,
लगा और फिर विज्ञान ने प्रगति करी, विज्ञान ने प्रगति करी, विज्ञान की प्रगति से हमें और भी नई नई चीजें मिली। अब सर्वाणी कार्याणी संगणक, संगणक नाम के यंत्र साधकानि भवन्ति और उसके पश्चात विज्ञान ने क्या हुआ, विज्ञान ने सबसे पहले हमें कंप्यूटर नामक संगणक कंप्यूटर नामक उस यंत्र को दिया जिसके माध्यम से सभी कार्य आसानी से होते चले। समाचार पत्राणी पुस्तकानी च कंप्यूटर माध्यमे पठ्यन्ते। फिर हम समाचार पत्र पुस्तक ये सभी हम कंप्यूटर के माध्यम से क्या करने लग गए, पढ़ने लग गए और लिखते च और लिखने लग गए। कर्ग दो उद्योग, कर्ग दो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगने वृक्ष प्रक्रियन्ते इसमह। अब क्या हुआ कि हमने कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ना लिखना प्रारंभ किया तो जो कागज का उद्योग था वो कैसे हुआ, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा क्रयन्ते। अब जब हम कागज का उपयोग करते थे तो कागज बनाने के लिए हमें वृक्षों का उपयोग करना पड़ता और जब वृक्षों का उपयोग करना पड़ता था तो वृक्ष क्या करते थे, काटना पड़ते थे, है ना, काटने पड़ते थे तो उससे हमारे वृक्षों का क्या होता था, नुकसान होता था। क्यों, क्योंकि कागज का उपयोग होता था और कागज का लिखने के लिए वृक्ष के पन्नों की आवश्यकता पड़ती थी, पेजेस की आवश्यकता पड़ती थी और वो पेजेस कहाँ मिलते थे, वृक्ष के माध्यम से, वृक्षों में जो पत्ते होते थे उनके माध्यम से हमें वो कागज लिखते थे जिसके कारण हमें वृक्षों को काटना पड़ता था और वृक्षों का नुकसान होता था। पर संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेषु वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परन्तु अब हम अधिक से अधिक कंप्यूटर का उपयोग करते हैं जिसके कारण वृक्षों की कटाई क्या हो गई है, भविष्य में कम हो गई है, ऐसा हमें विश्वास है। अनेक पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की क्या हो गई है, सुरक्षाया पर्यावरण की सुरक्षा हो गई है, दिशि महान उपकारो भविष्यति और पर्यावरण की सुरक्षा भविष्य में हमारे लिए महान उपकार के बराबर है। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने आपको समझाया है, इसको एक बार और पढ़कर आप लोग रिवाइज करेंगे। आगे देखिए, अधुना आपने वस्तु क्रियार्थां रूप्यकाणां अनिवार्या नास्ता। अब वस्तु कार्यार्थां, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमें उसके लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है, अनिवार्यता नास्ती। परंतु अब क्या हुआ है, अधुना आपने वस्तु क्रियार्थां रूप्यकाणां अनिवार्यता नास्ती, परंतु अब हमें वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। रुपयों की आवश्यकता मतलब नगद जो हम रुपए लेकर जाते थे 100 का 200 का 500 का 1000 का, तो ये पैसे हम जब पर्स में रखकर ले जाते थे तो हमें मार्केट में हमेशा डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ सामान खरीदने जाए और हमारे पैसे कहीं गुम हो जाए या कुछ और हमसे चुरा कर ले जाए। तो उसके लिए अब एक नया तरीका आ गया, अब हमें कोई रुपए ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपया काना स्थान ग्रहित बंदी। अब इन रुपयों का स्थान किसने ले लिया है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। उसके लिए हमें रुपए की नहीं बल्कि उस छोटे से कार्ड की आवश्यकता होती है। वित्त कोषस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण समा
मिल जाते हैं। अनुप्रयोग एवं मुद्रा किराय विनिमय सहायिका संधि और कंप्यूटर के माध्यम से हमें एक मिनट या पैसे निकालने और डालने में कैशलेस मतलब ट्रांजेक्शन, पैसे निकालने करने में भी क्या हो गया है, सहायक हो गया है। पुत्र की यात्रा करने भेद यात्रा पत्र से, अब हमें कहीं भी यात्रा करने के लिए किसकी जरूरत, रेल टिकट की, वायुयान यात्रा पत्र अनिवार्यता पत्र। अब हमें अपने साथ कहीं भी यात्रा करने के लिए चाहे रेल हो चाहे हवाई जहाज हो यात्रा करते समय टिकट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसकी जगह क्या हुआ है, कुछ नया आ गया है, सर्वाणी पत्राणी अस्माकं चल दूरभाषायां गत्वे इमे इति स्थाने सुरक्षितानि। अब इसकी जगह मतलब रेल टिकट की और हवाई जहाज की टिकट की जगह हमें किस चीज का उपयोग करना है, इन दोनों के लिए हमें अपने मोबाइल फोन की आवश्यकता है। चल दूरभाष स्थाने सुरक्षाणी भवन्ति, इन दोनों के लिए अब हमें हमारे भी मोबाइल में किसी ऐप है कि उस ईमेल के माध्यम से हमें हमारा टिकट हमारे मोबाइल के अंदर आ जाता है और मोबाइल के माध्यम से हम उस रेल के टिकट को हवाई जहाज के टिकट को अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। यदि यानी सदृश्य व्यम सो करने सदृश्य ने इन्हें आसानी से सुगमता से सदृश्य ने दिखलाकर हम अपने मोबाइल में आसानी से और दिखाकर यात्रा का आनंद ले सकते हैं कि हम अपने टिकट को अपने पास पर्स में नहीं रखने की जरूरत है बल्कि हम अपने मोबाइल में ही हमारा टिकट सेव हो जाता है और हम उस टिकट का उपयोग आसानी से कर सकते हैं, उसमें हमें ढूंढने का कोई डर नहीं रहता है। फिर आगे देखें आनंद कई कर मतलब हम अपनी यात्रा टिकट अपने पास रखकर उसका आनंद ले सकते, चिकित्सालय अपनी उपचारात्मक मुख्य कारण आवश्यकता नान होते मतलब अब हमें अपने इलाज के लिए भी पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। सर्वत्र कार्ड माध्यम ई बैंक माध्यम शुल्क प्राप्त शक्यते कि अब हम अपने हॉस्पिटल मतलब चिकित्सालय का बिल हम कैसे भर सकते हैं, कार्ड के माध्यम से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ई बैंक माध्यम से हम उस शुल्क का भुगतान करते हैं। जो नगद कैश देने का प्रावधान था कि हमें इतने हजार रूपए आज उनको जमा करना है वो अब ऐसा नहीं है, आप एक कार्ड के माध्यम से भी यहाँ आपको चित्र दिख रहा है एक छोटी सी मशीन बनी हुई है उसमें उस मशीन में कुछ नंबर लिखे हुए हैं और एक कार्ड है, इस कार्ड के माध्यम से हम अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट से वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपको कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस एक कार्ड के माध्यम से आपका पैसा आपके खाते से आपके अकाउंट से हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। फिर पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न होती, हमें पासबुक की
किसी भी प्रकार के लिए कागज की और नए ज्ञान के लिए हमें किसी शब्दकोश की आवश्यकता नहीं है। हम अपने कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से सब कुछ हम अपने पास वो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। उस सामग्री के लिए हमें न कोई किसी कागज की आवश्यकता होती है और न ही किसी किताब की आवश्यकता होती है। संस्कृत शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है मैं व्यवस्थित तरीके से लिखकर और कठिन शब्दों को